नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार मैं पंचायत का दौरा कर रहा हूँ, लगातार गांव में भ्रमण कर रहा हूँ। यहाँ तक कि पंचायत में जितने समस्या है, जहाँ विकास हुआ है नहीं हुआ है, वहाँ के लोग, वहाँ का जनता कैसे जीवन जीते हैं, सारे लोगों से मैं रूबरू होता हूँ और आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी बीच पहुँचा हूँ गोपालगंज जिला में थावे ब्लॉक में, और एक पंचायत है, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में उनका पोस्टर लगा हुआ है, धतीवाना पंचायत है। और इस पंचायत में एक मोहल्ला है, मोहल्ला में रुका हूँ और यहाँ पे एक प्रत्याशी है, यानी कि निर्भय कुमार, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इनका पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है निर्भय कुमार। ये मुख्य से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार पंचायत की जनता के साथ, यानी कि अभी ये लोग बैठक किए हैं, बैठक में विचार कर रहे हैं कि इस बार अगर चुनाव जीतना है तो कैसे जीतना है, कैसे काम करेंगे, उस सब का बात हुआ है। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से ये लोग कुछ बात करना चाहते हैं कि भाई इनका सोच क्या है, इनका मुहिम क्या है, अगर पंचायत में चुनाव जीतते हैं तो किसके साथ खड़ा उतरेंगे और पंचायत का विकास कैसे करेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में महिलाएँ भी जुड़ी हैं, युवक भी जुड़े हैं, खासकर लोग यहाँ के जनता भी जुड़ी हैं, इधर चाचा लोग भी जुड़े हैं, बुजुर्ग लोग भी जुड़े हैं। आइए हम बात करते हैं इस पंचायत के भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं निर्भय कुमार जी। इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, ईवीएम क्रमांक संख्या पे दो पे है, ढोलक छाप, यानी देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ये भैया ढोलक छाप लेकर है यहीं पे, और ये मतलब ढोलक पंचायत में, कई पंचायत में ढोलक बज चुका है, तो इनसे मैं जानते हैं कि ढोलक मिला है ये बहुत शुभ हो रहा है। इस अब की बार में बहुत सारे पंचायत में इंटरव्यू लिया हूँ तो वहाँ पर ढोलक का ज़्यादा जीत हुआ है। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल, स्वागत है, धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। आपका पूरा नाम क्या है सर? निर्भय कुमार। सर ये बताइए कि आप चुनाव जो लड़ रहे हैं किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं विकास के उद्देश्य से। विकास के उद्देश्य जी? विकास में क्या काम करेंगे? विकास में बहुत सारे काम है, जैसे रोड है, लैट्रिन है, नाले हैं, कॉलोनी है, बिजली है, ये सब मैं करूँगा जी। इस बार आपने पंचायत में पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं जी, चुनाव लड़ने का जो मन आपको आया कैसे आया? चुनाव जनता के मन से है कि अपने मन से, कि ग्रामीण जनता से? जनता के मन से हम खड़े हैं, जनता के मन जी। पंचायत आपका कौन सा है? धतीवाना पंचायत। धतीवाना पंचायत कितने वार्ड है, कितने गांव? वार्ड है तीन चार गो गाँव है, चार गाँव। गाँव कौन सा कौन सा? प्यारेपुर है, सिहोरवा है, धतीवाना है, विशंभरपुर है, परावना पट्टी है, चौरिया टोला है जी। कहने का मतलब ये है कि मैं पूछा हूँ इसलिए कि गांव में आप भ्रमण किए हैं, गांव में घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो कमी क्या देखा पंचायत में, किस तरह से आपको कमी लगा, क्या कुछ लगा, क्या करना चाहिए पंचायत में, किस तरह से काम करना चाहिए? पंचायत में विकास होना चाहिए। हाँ। बहुत सारे हमारे पंचायत में गरीब जनता है। हाँ। उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। हाँ। विकास नहीं हो रहा है, कितना गरीब जनता है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत सारे गरीब है हमारे पंचायत में। तो इस बार उद्देश्य है आपका जीतना जी, तो आप जीत के प्रति कितना स्वस्थ हैं? एकदम 100% स्वस्थ है। धन्यवाद। और भी आपके साथ जनता जुड़ी है, महिला भी जुड़ी है, उनसे भी बात करता हूँ। पहले एक भैया हैं जो कि ढोलक लिए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप युवा हैं, वोट भी देते होंगे, आप इनका ढोलक लिए हैं, ढोलक छाप मिला है, क्या उद्देश्य है आपका, किस तरह से आप इनके पक्ष में काम कर रहे हैं, लोग कैसे सपोर्ट मांग रहे हैं? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर, क्या? बहुत बढ़िया, क्योंकि गांव गांव जाकर वोट मांग रहे हैं, आपके ऊपर जीतने का भी आशा है, पूरा जीतने का आशा है। यहाँ के सपोर्ट करते हैं, हम तो खुद न खुद खड़ा है इसके साथ। हाँ, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं हम, इसलिए हम इनको खड़ा किए हैं, चाहे खड़े हैं कि हमारे गाँव का विकास होगा, इन्हीं के हाथ से होगा। आप क्या कहेंगे, युवा भी हैं, क्या कहेंगे? हमारे गांव का जो विकास होगा इन्हीं के हाथ से होगा, विकास इन्हीं के हाथ से होगा, इन्हीं के हाथ से होगा। पाँच छः साल दस साल से मुखिया में कभी भी हम लोगों को इच्छा अनुसार विकास नहीं हुआ है, अब होगा, लेकिन अब होगा 100% होगा। आप क्या कहिएगा? हमारा जीत है, निर्भय माझी मुखिया जिंदाबाद। आप क्या कहिए? निर्भय माझी मुखिया हो जाए ना, कंप्लेंट ले लेबे निर्भय कुमार जी के। हाँ। का कहे हम यहाँ के, हम कहते नहीं कि हम बेटा का खड़ा कर ले बनी, हम महतारी हैं। हाँ। चाची हैं। हाँ। हम आप इनका के खड़ा कर ले बनी कि हमारे बाबू जीतस, जब विकास जितना भी बा। हाँ। उतना हमारे बेटा करी हम। हाँ। आ जनता का सुखी शांति से रखी हूँ। क्या बात है, तालियां इनके लिए।
हम बोल रहे हैं कि हम गांव के स्थिति देख करके, अपने महल्ला के स्थिति देख करके, कि हमने कहा 35 साल का, हमारे उम्र 35 साल का हो गया, अभी तक हमारे कॉलोनी तक कॉलोनी एगो रिपेयरिंग के पैसा नहीं मिल रहा है, अभी तक हम लोग के राशन कार्ड नहीं है, हम लोग 35 साल का उम्र हो गया है। ये सब स्थिति देख के हम लोग देवर के अपना खड़ा कराए हैं, चुने हैं कि जीत जाएगा तो हम लोग का गरीबी कुछ दूर करेगा। नाम ना भोदनी, गांव में क्या कमी में क्या समस्या लगता है? कमी बारे जी कॉलोनी नहीं खे बनत, राशन कार्ड नहीं खे बनत, ये जीतिए तो सब बनाई है। तारा कमी क्या पंचायत में घर बाबे शौचालय बा लेटिन बा? हां हमनी कह दिन राशन कार्ड नहीं, क्या पानी के बहुत नहीं है, पलानी के घर पति क्या कर लो? पति तो बहुत फोन टाट छे राशन कार्ड ले नहीं के, राशन कार्ड सर राशन कार्ड वो बहुत है। आप लोग युवा है, क्या कहेंगे, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं निर्मल जी कुमार जी को? हम लोग तो दिल जान से सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग दिल जान से सपोर्ट कर रहे हैं, काहे कि इतना स्थिति देख कर 5 साल में हम लोग का इतना डाउन स्थिति हो गया है, इसलिए दिल जान से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जो भी सपोर्ट है हम लोग देखते हैं, युवा दल के जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, ठीक है, इसी वास्ते से हम लोग युवा दल के नेता चुने हुए हैं, युवा दल के नेता चुने हुए जी। बाबा रहो का को है? हम ना कार नाम राहुल सतन मत वोट देनी घर में शौचालय बा बाथरूम करे कहाँ जानी राहुल नहीं खे ए पारी हो की क्या कहते नहीं बोली अरे जीती है ना हमारे बेटा तो करी है ना करी हो सब के करी सब जनता के करी हम क्या कहेंगे भैया आप किस तरह से उम्मीद रखते हैं इनके बारे में ढोलक छाप निकल रहा है क्या बात है सर जैसे कि अभी जनता काफी बात की है बहुत सारे कमी भी दिख रहा है बहुत सारे गांव के लोग बात की है जी जी तो जो उम्मीद है जनता का कुछ खड़े पानी पे उतरेंगे एकदम 100% उतरेंगे जनता को क्या संदेश देंगे क्या अपील करेंगे अपनी जनता को अपने जनता को पूरे जनता को अपील कर रहे हैं कि हम अगर जीत जाएंगे तो सब किसी को बराबर एकदम देखेंगे। हाँ और अच्छी बात है कि जो वर्तमान में जो काम हुआ है क्या हुआ है? काम हुआ है बहुत सारा काम नहीं हुआ है। हाँ अधूरा रहा है। अधूरा है लाइट देखिए पहले लाइट पुल पर लाइट क्या दिखाइए थोड़ा लाइट उधर लाइट दिखाइए। हाँ हाँ तो आप देख सकते हैं कि लाइट की जो व्यवस्था है तरीका है कैमन थोड़ा इधर आइए हाँ इधर लाइए क्या कहेंगे बाबू जी आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो 5 साल में हमारे घर चूरा है 5 साल 15 साल में कुछ नहीं किया वो हमारे निर्भय भैया जीतेंगे तो वही करेंगे। आप क्या कहेंगे? हम लोग तो वही कहेंगे सपोर्ट में है। क्या कहेंगे भैया? हम लोग तो वही कहेंगे हम लोग हम लोग छोटे से देखे हैं जब निर्भय भैया अच्छा है। हाँ। अच्छा हम लोग देखते आ गए कभी भी हम लोग का काम अच्छा अच्छा कर रहा है अभी भी उस लोग को जिताएंगे इसलिए जो अच्छा शिक्षा में आपके साथ युवा लोग भी हैं बुजुर्ग भी लोग हैं महिलाएं भी हैं खासकर मैं चाहता हूँ उनसे सवाल करना कि अगर महिला के पक्ष में अगर काम कोई करना चाहेंगे तो बहुत सबसे बड़ा पंचायत में समस्या दिख रहा है शौचालय का स्वाधीन शौचालय बहुत समस्या दिख रहा है शौचालय तो है ही नहीं लग रहा है तो इस पे कैसे काम करेंगे? एकदम शौचालय बनेगा हमारे माता बहन सब लोग हैं यहाँ पे उन लोग युवाओं के हित में काम करेंगे एकदम शिक्षा में काम करेंगे। हाँ शिक्षा में काम करेंगे क्या कुछ कहेंगे कर रहे हैं बोलिए कहने का मतलब यहाँ डबल चेहरा वाला बात है दूसरे के नाम से दूसरा कोई सपोर्ट करके लड़ रहा है और दूसरा कोई क्या क्या कर रहा है लूट रहा है उसके तो कुछ मालूम नहीं है निपड़ आदमी को खड़ा कर दे रहे हैं नाम से। आप युवा हैं युवा के बीच में जैसे कि जीत के प्रति कितना आश्वस्त होकर काम कर रहे हैं? एकदम जीतेंगे हम उम्मीद पूरा दतिवाना पंचायत की जनता से क्या कुछ कहिएगा? दतिवाना पंचायत से ये अपील मेरा है कि हमको सपोर्ट करें और हमको सहयोग करें हम उनके साथ एकदम खड़े रहेंगे। आपका पूरा नाम? निर्भय कुमार। मुखिया का दायित्व तो क्या होना चाहिए? मुखिया का दायित्व तो है पूरा जनता को देखे। हाँ। सब पूरा जनता को देखे एक साथ लेकर चले। जी जी लेकिन 5 साल में हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं अच्छा भले नहीं हुआ है कुछ भी देखिए सब नाला फूट गया है अभी 6 महीने नहीं हुआ बनाया हुआ देखिए सब ऐसा ऐसा आदमी है कि बनवाता है हम लोग बोलते हैं तो उल्टा में हम लोग पर दबाव देता है कि आपको घर से आएगा कि हम लोग बनाएंगे हम अपने पाल से पैसा लगा रहे हैं इनको चुन रहा है कि हमारा लायक यही है। अच्छा लोग चुन रहे हैं? हाँ गांव की जनता ने चुना है मतलब आप लोग युवा चुने हैं हम लोग चुने हैं यही हमारा लायक मुखिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 हम दू गो पतोई उतर ले बनी अच्छा दू दू तीन तीन गो बाल बच्चा हो गई मुखिया के पास गनी त मुखिया से कहनी कि हमरा के कॉलोनी दी हमर बेटा पतोई उधुरी रहता गरीब है ना गरीब बनी हां हां तब कहनी कि अच्छा दी आई नाला के विषय में पांच छह हाली गनी सब शीतलहरी में गनी से त वोट मिलल कि हमको वोट दिया है का कि आपको नाला बनाएंगे का हम कहनी कि सर रवा यही लखा जीत गई बनी कि गांव के सहयोग से जीत गई तब जाके कुछ ना मिल कौन पैसे लेते हैं सरपंच है वो बोलते हैं कि 50 रुपया लगेगा तो हम साइन करेंगे आपको नहीं तो जाइए भागिए इसी तरफ से बोलते हैं तो सर ये जो भ्रष्टाचारी घुसखोरी चल रहा है पंचायत में खत्म होगा एकदम खत्म होगा हाँ एकदम खत्म होगा आपका सोच पंचायत को विकास करना है जी। इतना महिला भी युवा लोग भी बुजुर्ग लोग भी जुड़े हैं ये प्यार मोहब्बत देकर क्या करिएगा एकदम मोहब्बत प्यार देकर हमारे सपोर्ट में है ये लोग हाँ जी उम्मीद पूरा एकदम उम्मीद है धन्यवाद अपने परिचय दे दीजिए अपने बारे में जी मैं निर्भय कुमार झतिना पंचायत मेरा घर है जी मैं अपने जनता से अपील करता हूँ प्रत्याशी आप ही ना है जी जी आप शादीशुदा हैं जी मतलब प्रत्याशी मतलब आप ही हैं जी चुनाव चिन्ह क्या है ढोलक छाप कितना पे है दो नंबर पे ईवीएम पे दोनों जी धन्यवाद जनता को क्या कहेंगे अच्छा इसमें लिखवाया नेक नियत पक्का वादा काम करेंगे सबसे ज्यादा इसका मतलब क्या हुआ इसके मतलब हुआ कि हम सब जनता के एक साथ लेकर चलेंगे सब किसी का काम करेंगे सब गरीब आदमी को देखेंगे नेक इंसान रहेंगे जी नेक इंसान रहेंगे आप सहयोग भी हैं कर्मठ भी ईमानदार भी हैं संघर्ष भी हैं ऐसा है जी जी कहेंगे सिर्फ है ना एकदम है जी लो जी 10 साल करते हैं बीडीसी भी रहे हैं अच्छा बीडीसी भी रहे हैं हाँ जी लेकिन अच्छा काम किए हैं इसलिए फिर इनको हम लोग मुखिया में लाना चाहते हैं अच्छा बीडीसी भी रह चुके हैं सर बीडीसी भी रह चुके हैं मतलब बात माता जी रही हैं तो मतलब सहयोग किए हैं ना जी जी धन्यवाद तो साथियों देखा के बात के ग्राम पंचायत राज दतिवाना से भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं निर्भय कुमार जी जो इस पंचायत में युवाओं के साथ मिल रहा है बुजुर्गों के साथ मिल रहा है बुजुर्गों का बूढ़ों का और खासकर महिलाओं का भी साथ मिल रहा है और युवाओं का भी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में काफ़ी लड़के जो हैं यहाँ के जो गाँव के परिवेश में रहते हैं और ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उतरे हुए हैं मैदान में कि इस बार अगर चुनाव जिताना है तो निर्भय कुमार जी को जिताना है जी जी, जी। तो आज चुनाव चिन्ह क्या मिला इनका ढोलक छाप क्या कहेंगे आप लोग अभी मशीन पर दो नंबर पर ढोलक छाप क्या बटन दबाना है पंचायत की जनता को क्या आप संदेश देते हैं क्या अपील करते हैं जनता से जनता से हम अपील करते हैं कि इनको अच्छा से अच्छा ज्यादा से ज्यादा माने सब लोग सपोर्ट करें सहयोग दें इनको आगे बढ़ाएं ना जो काम अधूरा है पूरा करेंगे जो काम अधूरा है उसको पूरा करने के लिए हम लोग इनके साथ में खड़े हुए हैं धन्यवाद तो साथियों देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज दतिवाना से और हम बात करते हैं निर्भय कुमार जी से जो सहयोग कर्मठ ईमानदार हम संघर्षशील प्रत्याशी हैं और इनके चुनाव चिन्ह मिला है और एक ए, ए, एक चीज एक और हमारे साथ युवा है इनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा क्या कुछ कहेंगे आप सर हम कहेंगे यही कि बढ़िया हम भी प्रत्याशी से उनको सपोर्ट दे दिए कि एक सीट हम निकाल लें अच्छा हम भी प्रत्याशी से हम इस्तीफा दे दिए कि अच्छा प्रत्याशी भी थे किस चीज का हम भी मुखिया के थे अच्छा मुखिया भी थे तो फिर आप आपका मन मतलब था कि लड़ना तो हाँ। हम लोग सपोर्ट किए कि छोड़ जात का सीट है छोड़ जाए निकले हम लोग का गांव का स्थिति खराब है अपना अपना कैंडिडेट वो लोग खड़ा करा देते हैं उन लोग का इसीलिए हम कहें कि आपका नाम विक्की माजिन मेरा नाम तो मतलब आप भी उठे थे ना तो इस बार आप सपोर्ट में उतर सब सपोर्ट कर अपना समर्थन दे दिए हाँ समर्थन दे दिए हैं तो क्या लग रहा है कि समर्थन दिए हैं तो फिर आपका नहीं सीट निकलेगा हम लोग अब मिल के सीट लड़ रहे हैं तो सीट निकलेगा जनता से पूरा सहयोग कर रहे हैं कि हम लोग का सीट निकलेगा पूरा सहयोग दे पूरा सहयोग दे पूरा हाँ पूरा दे रहे हैं तो इस बार जनता से क्या अपील करते हैं पूरा यही अपील करते हैं हम लोग का पूरा साथ दे हम लोग का वोट दे तो आपने देखा कि एक प्रत्याशी जो है निर्भय कुमार जी ये मतलब अपने गांव में पंचायत में जब भ्रमण करके चुनाव जीतने का मन बनाया और चुनाव भी जीतने के
जीतने का मन में आया तो इन्होंने अपना नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन के बाद इनका चुनाव चिन्ह मिला और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद तमाम ऐसे लड़के युवक और गांव के लोग सपोर्ट में उतरे और एक प्रत्याशी यानी कि खुद एक प्रत्याशी थे जो मुखिया प्रत्याशी थे और ये भी उठने वाले थे लेकिन अपना समर्थन इनको दे दिए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि भाई चलो समर्थन दे दिए। हाँ हाँ, दो भी और के हैं, तीन मुखिया में जो पिछले बार चुनाव लड़े थे तीनों सपोर्ट किए हैं, तीन को जिताना है। अच्छा, तीनों लोग सपोर्ट कर दिए हैं, तीन प्रत्याशी और लोग सपोर्ट कर दिए हैं, तीन ये मोहब्बत ये बहुत बड़ी बात है सर। लग रहा है मेरे चाचा भी चाचा जी पहली बार मुखिया में लड़े थे, दो नंबर पे आए थे, वो भी सपोर्ट किए हैं। हाँ, अच्छा, आपके चाचा भी सपोर्ट कर दिए हैं, ये भी सपोर्ट कर दिए हैं, तो इस बार जीत के प्रति एकदम लग रहा है कि पूरा निश्चित निश्चित है, एकदम एकदम निश्चित आशीर्वाद है पूरा पंचायत का। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों देखा बात की ग्राम पंचायत राज दतिवाना से और मैं बात करता हूँ मंजीत कुमार कैमरन रोहित के साथ और आप जब बैकग्राउंड में देख रहे थे काफ़ी जनता यहाँ पे है, युवक भी है और ये जो मोहब्बत ये जो मतलब एक परिवर्तन का लहर है, लग रहा है कि परिवर्तन का लहर प्रकाश के लहर पे जाएगा। और निर्भय कुमार जी हैं भाई मुख्य प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव चिन्ह मिला है ढोलक छाप और ये जो क्रम संख्या है टू पे है यानी दो पे है निर्भय कुमार ढोलक छाप। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं इनका, देखिए ये लगा हुआ है निर्भय कुमार EVM मशीन का नमूना है और निर्भय कुमार का दो पे ढोलक छाप जो ये है और इनका पोस्टर है निर्भय कुमार का चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।